हैदराबाद गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का कहना है कि पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार वहां कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए साझा अभियान चलाना चाहिए, बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए ताकि एक उदाहरण पेश हो सके। ने अपना काम किया है। अगर कोई अपराधी पुलिस की कस्टडी से भागने का प्रयास करेगा या उनको उनसे दूर भागेगा तो पुलिस उस समय जो रीसेंट उनको जो समझ में आया वो उन्होंने किया। और आप ये देखिए कि दो पुलिस वालों को भी लगी है, उनके भी उन्होंने रिवर्स के अंदर घायल हुए हैं दो पुलिसकर्मी भी। तो मैं तो सोचती हूँ कि पुलिस ने जो अपना उस समय निर्णय लेके जो उचित कार्य किया है वो श्रेष्ठ कार्य किया। खासतौर से रेप जैसी घटनाओं के साथ जुड़े हुए लोग जिन्होंने बच्ची को उस जो भी हमारी निर्भया थी हैदराबाद की महिला थी उनके साथ में कुकृत्य किया और फिर उसको जला भी दिया। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस घटना की को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उस घटना को अच्छा नहीं बता सकता। इसलिए मानवाधिकार के लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसी घटनाओं के प्रति एक अलग प्रकार की सोच हमको देश के लोगों के अंदर लानी पड़ेगी और हम सब लोगों को मिलकर एक साझा अभियान ऐसा चाहे उनको सोसाइटी से बायकॉट करें ऐसे लोगों को या किसी भी प्रकार से अक्रॉस द पार्टी लाइन हमको इन सब चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा, तब कहीं हम जाके एक सेफ और एक अच्छा माहौल अपने देश के अंदर बना पाएंगे।